हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आ रही है ठंडी का मौसम, शुरू हो गया है और ठंडी के मौसम में कुछ मीठा स्वीट या गर्मा गर्म मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसी रेसिपी। आज जो रेसिपी रहेगी हमारी मक्की के आटे का हलवा। स्वीट रेसिपी किसको पसंद नहीं आती है, और गर्मा गर्म वो भी ठंडी के समय में। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये ठंडी में एक प्रकार की हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो आइए हम मक्की के आटे का हलवा बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें देसी घी। जब तक हलवे में देसी घी नहीं डलता है ये हेल्दी नहीं होता है, तो आप देसी घी का ही यूज़ करें। ये मेरा होममेड घी है और हम इसमें डालेंगे। हलवे में जब हम ज़्यादा घी डालते हैं तभी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा पिघल चुका है, इसमें हम डालेंगे मक्की का आटा। मक्की का आटा मैंने एक कटोरी लिया है, इसे मिक्स करेंगे। मक्की का आटा अगर आपका दरदरा पीसा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। हमारा आटा भून रहा है, जब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जिस कटोरी से हमने लिया है मक्की का आटा उसी कटोरी से हम चीनी का मेजरमेंट कर रहे हैं। मक्की का आटा थोड़ा मीठा होता है तो थोड़ी सी खाली हमने इसमें चीनी ली है, थोड़ी कम मात्रा में। तो ये देखिए, चीनी एक बर्तन में डालेंगे और इसी कटोरी के माप से हम पानी को भी नापेंगे। जितना हमने आटा लिया है, एक कटोरी अगर हमने आटा लिया है तो दो कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे चीनी में। और इसकी हमें चाशनी नहीं बनाना है, जैसे इसको गर्म करना है। इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से भून कर तैयार हो गया है हमारा जो मक्की का आटा है। और मैंने आपको बताया कि इसमें घी ज़्यादा चाहिए होता है, तो घी जो है आप देख रहे हैं कि इस तरीके का गीला है। घी में एकदम ड्राई रहेगा तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा आपका जो हलवा है। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे कटी हुई बादाम और डालेंगे एक चम्मच कूटी हुई इलायची, हरी इलायची जो खाने की मीठी स्वीट रेसिपी में डलती है। और इन दोनों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसे आप अच्छे से भूने, नहीं तो ये वाइट होता है। जैसे इसमें पानी जाता है तो इसका कलर और वाइट हो जाता है। तो आप कभी भी हलवा बनाते हैं तो थोड़ा डार्क ही भूने। हमारा जो है आटा भून कर तैयार हो चुका है। हमने अलग गैस में पानी चढ़ाया था तो पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। पानी हम डालेंगे, पानी की जो चीनी है घुल चुकी है। पानी को हम धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि पानी सोखता भी जाए। कलर का जो टेक्सचर होता है वो बहुत, ये हलवे का टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा आता है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अगर मिक्स करते हैं, एक साथ पानी डालने से इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालें। लगभग ये आधा पक चुका है, अब हम यहाँ पर सारा पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे जब तक इसका पानी सूख न जाए। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। देखिए, इसने पैन से घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका सारा पानी सूख चुका है। तो ये हलवा रेडी हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली हमारा हलवा बन गया है, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अगर आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ कटी हुई बादाम से, ताकि ये बहुत टेस्टी भी लगे और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आए। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है अगर कोई ड्राई फ्रूट्स डले हुए होते हैं हलवे के अंदर। और मैंने इसकी जो क्वांटिटी ली थी 2 से 3 लोगों के लिए, अगर आप 2 से 3 लोगों के लिए हलवा बना रहे हैं तो परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही हेल्दी भी है ठंडी के समय में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।